बहन जी ने मुझसे कहा है कि आपको मेयर का चुनाव लड़ाना है, लेकिन साथियों मेरे मेयर बन जाने से कोई समस्या हल ना होगी जब तक बहन मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनती। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है और न ही अस्थाई दुश्मन। उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी करवट ले रही है, यानी कि जैसा 2022 का विधानसभा चुनाव रहा वही सीन 2024 में रहेगा इसकी कतई गारंटी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर सिमट गई थी, अब वो शहरी निकाय चुनाव में जोर लगा रही है कि अपनी उपस्थिति ठीक ठाक दर्ज कराए, जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। आपको याद है ना, इमरान मसूद जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे बाद में सपाई बन गए, किस तरीके से मायावती ने उनको अपनी पार्टी में शामिल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी सौंप दी। और अब खबर आ रही है प्रयागराज से कि वहां पे माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता प्रवीण को बसपा में शामिल कर लिया गया है। पूर्व सांसद है घनश्याम चंद खैरवार, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है उनको बसपा की सदस्यता दिलाई है। देखिए जरा इस वीडियो को। बहन जी ने मुझसे कहा है कि आपको मेयर का चुनाव लड़ाना है, लेकिन साथियों मेरे मेयर बन जाने से कोई समस्या हल ना होगी जब तक बहन मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनती। तब तक कोई समस्या हल न होगी। हमारे कम से कम 250 से 300 खास लोग जेल में हैं, मेरे 2 बेटे जेल में हैं और सांसद जी भी जेल में हैं। देखा आपने, ये साइस्ता प्रवीण है। पिछले दिनों यानी अक्टूबर की बात है, अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद आया था कोर्ट में पेश होने के लिए। उस दौरान उन्हें सीएम योगी को कर्मठ, ईमानदार और बहुत ही मजबूत सीएम बताया था। साइस्ता प्रवीण खुद सीएम योगी की तारीफ करती हुई दिखी थी, साथ में ये गुहार भी लगाई थी कि उनके पति ने जो गलती की है उसकी सजा मिले, लेकिन उनके बेटों को क्यों सजा दी जा रही है, क्यों झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, और योगी से न्याय की गुहार लगाई थी, मिलने की भी गुहार लगाई थी। और अब ये खबर आई बसपा में शामिल होने की। इतना ही नहीं, उन्हें जो है मेयर का चुनाव भी लड़ाया जाएगा, पहले ही ऐलान हो गया है। कहने का मतलब ये कि बसपा अपनी जमीन मजबूत कर रही है और कहीं ना कहीं फिर से दलित और मुस्लिम समीकरण बनाने में जुटी हुई है, उन्हीं को वो साध रही है। ये अतीक अहमद वो अतीक अहमद हैं जिन्होंने 2005 में बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या कराई थी और उसमें ये और इनके भाई नामजद हुए थे। और राजू पाल की गलती ये थी कि उपचुनाव में इनके भाई को उन्होंने चुनाव में हरा दिया था। जिस तरीके से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी थी उसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी थी। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो इस माफिया डॉन अतीक अहमद के एनकाउंटर का आदेश दिया था और अब उसी अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता प्रवीण को बसपा में ले रही है, तो इसे राजनीति ही तो कहेंगे। याद है 2016 में जब यादव कुंबे में झगड़ा छिड़ा था, तब शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, जो मुख्तार अंसारी और उनका परिवार है, खास तौर से मुख्तार अंसारी, उनको सपा में ले आए थे। अखिलेश यादव विदक गए थे और इसको लेकर के कैसे रात भर ड्रामा चलाया और फिर उनको निकाला गया और दूरी बनाई गई, सबने देखा जाना और सुना है। ठीक उसी तरीके से अतीक अहमद की मायावती विरोधी, उनकी पत्नी को पार्टी में शामिल कर लिया। तो इन राजनीति की तासीर कुछ ऐसी है जिसमें कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। किससे फायदा हो सकता है, एक अब के दौर में जो देखा जा रहा है, कौन जीत सकता है, क्या उसका इतिहास है, क्या उसका चरित्र है, ये नहीं देखा जा रहा है। जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है, जीत सकता है तो कुछ भी है, सारे खून माफ है, आ जाइए हमारे साथ आ जाइए। और इसमें जनता भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, वो भी कहीं ना कहीं पसंद करती है। ये बात ठीक है कि माफिया अतीक अहमद होंगे, उनकी पत्नी का क्या लेना देना, लेकिन अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का भी तो इतिहास देखना पड़ेगा ना कि उनकी पत्नी राजनीति में कितनी एक्टिव रही है। अतीक अहमद 1989 से राजनीति कर रहा है और लगातार निर्दलीय जीतता रहा, फिर समाजवादी पार्टी में और इस तरीके से कई दलों के चक्कर लगाए, अपना दल वगैरह में भी।
लेकिन अब जब वो जेल में है और उनकी करोड़ों की संपत्ति जो है कुर्क हो चुकी, नीलाम हो चुकी, सरकार कब्जा ले चुकी, योगी सरकार से बेहद परेशान है, और इधर मायावती को ज़रूरत है मुस्लिम फेस की, और इनको ज़रूरत है एक आश्रय की जो कि उनके दर्द को कुछ कम कर सके और ये आश्वासन दे सके कि जब हम सत्ता में आएंगे तो न्याय करेंगे, वगैरह वगैरह। और इस तरीके से अब ये समीकरण बन रहा है। ताजुब राजनीति में किसी बात को लेकर के नहीं करना चाहिए। आज की जो राजनीति है उसमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो चुनाव जिता सके। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।